तो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि रेलवे हेल्पर कैसे बने। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। आपको आपकी पढ़ाई से लेकर रेलवे हेल्पर बनने तक का पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। तो आए दोस्तों, एक एक करके जानते हैं कि रेलवे हेल्पर बनने के लिए आपको कौन सी पढ़ाई करनी होगी, कौन सा कोर्स करना होगा, किस तरह से आपकी योग्यता होनी चाहिए, आपको क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है, किस तरह से आप एक रेलवे हेल्पर बन सकते हैं। यह सभी जानकारी हम आपको हमारी वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक रेलवे हेल्पर बनना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो में दी गई जानकारी को अच्छे से जानिए। हम आपको एक एक करके सभी पॉइंट अपने वीडियो में बताएंगे कि रेलवे हेल्पर बनने के लिए आपको किस तरह से कार्य करने होते हैं, क्या क्या करना होता है रेलवे हेल्पर बनने के लिए। यह सभी जानकारी आपको हमारी वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखते रहेंगे तभी आपको हमारी वीडियो के पॉइंट अच्छे से समझ में आएंगे। हम आपको इसमें आपके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं कि एक रेलवे हेल्पर बनने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, रेलवे हेल्पर कौन होते हैं, यह क्या क्या कार्य करते हैं, यह सभी जानकारी आपको हमारी वीडियो में दी जाएगी। तो आइए दोस्तों, आपको हम एक एक करके सभी जानकारी देते हैं अपने वीडियो में। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। आपको सभी पॉइंट अच्छे से बताए जाएंगे, आपकी किस प्रकार से योग्यता होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होते हैं, आपको कौन कौन सी पढ़ाई करनी होगी, यह सभी जानकारी हम आपको हमारी वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और दोस्तों, वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को स्किप करके देखने से आपको बहुत से पॉइंट समझ में नहीं आते हैं, जिसकी वजह से आपको जानकारी भी नहीं मिल पाती है। तो मैं यही उम्मीद करूंगी आप हमारी वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। चलिए चलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आइए, चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं हमारे वीडियो के आगे की जानकारी की तरफ और जानते हैं कि रेलवे हेल्पर बनने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है। तो दोस्तों, ऐसे ही पूरी जानकारी आपको हमारी वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, आप वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिएगा। रेलवे हेल्पर कैसे बने, रेलवे हेल्पर की सैलरी क्या होती है, रेलवे में सभी अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग योग्यता और सिलेक्शन प्रोसेस रखी गई हैं, रेलवे में कई सारे पद होते हैं, उन्हीं कई सारे पदों में से एक पद होता है रेलवे हेल्पर का। आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो रेलवे में हेल्पर की जॉब पाना चाहते होंगे, लेकिन उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको रेलवे हेल्पर बनने से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे रेलवे हेल्पर बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। जो स्टूडेंट रेलवे हेल्पर में रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं वो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों, आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और आपको बताते हैं कि रेलवे हेल्पर बनने के लिए आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना होता है, किस तरह से आप एक रेलवे हेल्पर बन सकते हैं और रेलवे हेल्पर बनने के लिए आप अपना करियर कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह सभी जानकारी हमारे वीडियो के पॉइंट में दी जाएगी। हर किसी को कोई ना कोई चीज़ बनने का सपना होता है। रेलवे में आपको पता है बहुत से पदों पर भर्तियां निकलती हैं, रेलवे के लिए आप बहुत सारी पदों पर हर साल वैकेंसी निकलती है, आप किसी भी पद पर अपना करियर बना सकते हैं, रेलवे में काफ़ी अच्छी जॉब होती हैं। अगर दोस्तों आप रेलवे हेल्पर बनना चाहते हैं तो आपको इसके आवेदन के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, किस तरह से इसमें कोर्स होते हैं, किस तरह से इसमें कार्य किए जाते हैं, यह सभी जानकारी आपको हमारी वीडियो में दी जाएगी। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं हमारी वीडियो के आगे की जानकारी को और आपको बताया जाएगा रेलवे हेल्पर के काम क्या होते हैं। दोस्तों, इसमें रेलवे हेल्पर से आप समझ ही रहे होंगे कि इसमें जो भी कार्य होते हैं वह रेलवे हेल्पर के द्वारा ही किए जाते हैं। रेलवे हेल्पर बनने के लिए आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी हम अपनी वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं वीडियो में सभी पॉइंट को अच्छे से। इसके लिए आपकी कौन सी योग्यता होनी चाहिए, किस तरह से आपको इसमें कार्य करना होता है, कौन कौन से पॉइंट को अच्छे से समझना होता है, यह सभी जानकारी आपको हम अपनी वीडियो में देने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जान लेते हैं रेलवे हेल्पर के किस तरह से कार्य किए जाते हैं। तो दोस्तों, आप वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिए। चलते हैं आपको लेकर हमारे वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ
और दोस्तों देखते रहिए पूरी वीडियो को। तो आइए चलिए दोस्तों जान लेते हैं रेलवे हेल्पर कौन होता है। रेलवे में हेल्पर का पद ग्रुप बी के अंतर्गत आता है। एक रेलवे हेल्पर को टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों तरह के काम करने होते हैं। एक हेल्पर के पद पर काम करने वाले कैंडिडेट को टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए, क्योंकि इस पोस्ट के अंतर्गत अलग अलग तरह के कुछ ऐसे टेक्निकल काम होते हैं जो आपको करने होते हैं, इसके लिए आपको कैंडिडेट में टेक्निकल स्किल्स का होना ज़रूरी होता है। एक हेल्पर को अपने सीनियर ऑफिसर के निर्देश अनुसार सिग्नल पॉइंट मशीन, लोकेशन बॉक्स गियर, तरण में लगे दरवाजों, एसी, खिड़कियों की मरम्मत, टेक्निकल उपकरणों को खोलना, साफ करना और मेंटेनेंस से रिलेटेड सभी काम करने पड़ सकते हैं। इसलिए एक रेलवे हेल्पर के पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को टेक्निकल नॉलेज भी होनी चाहिए। अगर कैंडिडेट को अच्छी नॉलेज है तो उसे आगे प्रमोट करके ऑफिस के अन्य कार्यों के लिए भी रख लिया जाता है। रेलवे हेल्पर बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? दोस्तों आइए जान लेते हैं कि इसके लिए योग्यता किस प्रकार रखी गई है। रेलवे में हेल्पर बनने के लिए कैंडिडेट का 12th पास होना ज़रूरी होता है और साथ ही कैंडिडेट किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से ITI भी किया होना चाहिए। रेलवे में हेल्पर बनने के लिए कैंडिडेट की आयु 18 साल से 31 साल के बीच में होनी चाहिए। एज में SC/ST कैंडिडेट को 5 साल और OBC कैंडिडेट को 3 साल की छूट दी जाती है। रिजर्व्ड कैटेगरी में उसको एज के रिलेशन दिया जाता है। तो दोस्तों आपको इस पॉइंट में बहुत सी जानकारी मिल गई होगी कि एक रेलवे हेल्पर बनने के लिए आप में इन सभी पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर यह सभी योग्यता होनी चाहिए और अगर आप यह सभी कार्य कर सकते हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, आप एक रेलवे हेल्पर बन सकते हैं। रेलवे हेल्पर बनने के बाद आपको यह सभी कार्य करने आने चाहिए, तभी आप इसमें अच्छे से कार्य कर सकेंगे। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको इस पॉइंट में यह सभी जानकारी इसलिए दी है कि आपको यह उपयोगी लगे और आपके अच्छे से समझ में आए, ताकि आप इसमें आवेदन करने से करना है या नहीं यह आपके जानकारी हो जाए। तो दोस्तों आइए ऐसे ही जानकारी आपको वीडियो में आखिरी तक दी जाएगी, तो आप हमारी वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिए। मैं आपको एक एक करके सभी पॉइंट अपने वीडियो में देने जा रही हूँ। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही जानकारी जानने के लिए आप हमारी वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिए। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जान लेते हैं रेलवे हेल्पर के और कौन कौन से कार्य होते हैं, किस तरह से एक रेलवे हेल्पर कार्य करता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं हमारे वीडियो के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और जान लेते हैं आगे की जानकारी को। दोस्तों वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिए और पूरी जानकारी अच्छे से लेते रहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आइए चलिए दोस्तों जान लेते हैं रिटर्न एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले यह पेपर कंप्यूटर बेस्ड होता है। इसमें आपको कुल 100 नंबर के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का होता है। पेपर का समय 90 मिनट का होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है। और दोस्तों इसमें सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होते हैं। इसमें जर्नल साइंस से रिलेटेड 25 प्रश्न, मैथमेटिक्स से 25 प्रश्न, जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 प्रश्न, जर्नल अवेयरनेस से आपको बता दें और करंट अफेयर से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। फिजिकल FCAC टेस्ट अगर आप रिटर्न एग्जाम पास कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फिजिकल FEC टेस्ट देना होता है। इन दोनों टेस्ट को पास करने वाले स्टूडेंट की लिस्ट तैयार की जाती है, जिसके बाद लिस्ट के सिलेक्शन स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको अपने एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, 4 फोटो लेकर जाना होता है। इसके अलावा अगर कोई और डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है तो वह भी आपको लेकर जाना होता है। मेडिकल टेस्ट अगर आप तीनों टेस्टों को पूरा कर लेते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। अगर आप सभी स्टेप्स को पूरा कर लेते हैं तो आपको रेलवे हेल्पर की पोस्ट दे दी जाती है। रेलवे हेल्पर की सैलरी क्या
होती है। रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड द्वारा अलग अलग पदों पर भर्तियां की जाती हैं, जैसे रेलवे इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, स्टेशन मास्टर, रेलवे मैनेजर इत्यादि पदों पर लिए भर्ती की जाती है। रेलवे में हेल्पर के पद पर काम करने वाले कैंडिडेट को स्टार्टिंग में प्रतिमाह 18,000 रुपये सैलरी मिलती है। समय पर एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ कैंडिडेट को प्रमोशन भी होता है और प्रमोशन होने के बाद कैंडिडेट की सैलरी भी बढ़ती है। इसके अलावा आपको रेलवे हेल्पर के अन्य भत्ते दिए जाते हैं, जैसे रात में काम करने का भत्ता, महंगाई भत्ता, परिवहन भत्ता, दैनिक भत्ता, मकान किराया भत्ता आदि। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी। तो दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।